हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि अब एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और अब समय आ चुका है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानने का तो मैं आपको सबसे पहले आज दो क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं जो कि आपके पेपर में गारंटीड है आएंगे ही आएंगे यूनिट वन में से सबसे पहला क्वेश्चन आप अपने सामने देख पा रहे हो एक्सप्लेन द कंसेप्ट प्रोपर्टीज एंड एजम्शन ऑपलेक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड हाउ डज इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द सेंटर पॉलम ऑफ एन इकोनॉमी क्वेश्चन गारंटेड है आपके पेपर में आएगा ही आएगा तो यह क्वेश्चन आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ठीक है जी और हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आपके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हां जी हाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर यूज टू तो एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्केयरसिटी चोइस एंड अपॉर्चुनिटी कोस्ट वट इज द इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ये आपका मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे अगर आप यूनिट वन पर हैं तो आप सिर्फ इन दो सवाल को पढ़ लीजिए ये दो सवाल ही आपके पेपर में ऐसे ही दोनों में से कोई एक आएगा ये दोनों ही आपके पेपर में आएंगे क्लियर है? अगर आप इनके सोल्यूशन पे जाना चाहते हैं सोल्यूशन पूरा अच्छे से देखना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक है उस पर जाइए उसमें पी डी एफ डाल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके कर कर तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगले क्लास में मैं फिर आपको बताऊंगा दो और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके कौन से हैं टोटल तो बस बीस क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका जो है एग्जाम निकल जाएगा थैंक यू थैंक यू सो मच